जी आप लोगों से बातचीत करते हैं, पूरा उत्साह नजर आ रहा है आप लोगों के चेहरे पर भी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, चंद घंटे बचे हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, कभी कभी इमोशनल मन में आ जा रहा है जब आप कहे हैं, पता नहीं क्यों एक बार एक हुआ है, जैसे लग रहा है कि मतलब खुशी के आंसू है कि क्या है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं ना कि जब मतलब जब कार सेवक आए थे तो कितना जो है यहाँ पर अत्याचार हुआ था, मतलब जिसका सरकार था करवाया था, तो आज जो है एकदम एक बाई एक भावुकता आ गई है सही में। मतलब अभी तक तो नहीं, लेकिन जब आप कहें तो आ गई है कि हमारे रामलला जी। एक बड़ी बात है इन राम भक्त की कि ये अपना उत्साह तो मना रही हैं, लेकिन उन कार सेवकों को भी याद कर रही हैं जिन पर 30 साल पहले यहाँ पर अत्याचार हुए थे और भावुक भी हो गई हैं उसको लेकर ये। जी बड़ा उत्साह लोगों की नज़र पे है, अयोध्या में जहाँ भी जाइए बस उस पल का साक्षी बनने का इंतजार सबको है जो 500 वर्षों बाद आ रहा है। जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ है, कोई जोर से सीताराम नहीं कहता था, डरता था राम कहने में, लेकिन आज ये है कि चारों तरफ राम का हुंकार है, कोई रोकने वाला नहीं है, ये ना लिए इसलिए अचानक भावुकता आ गया है, पता नहीं क्यों अब ये नहीं जानते हैं। लेकिन सुने हैं मतलब दो भाइयों को कैसे कैसे जिंदा लोग उठा उठा के फेंक दिए, पूरी सरयू मैया लाल हो गई थी, तो अब ये लग रहा कि वो लोग उन लोगों के मुँह पर तो कालिक पोता गया, वो लोग तो शहीद हो गए, लेकिन उन लोगों का शहीद होना आज रंग ला दिया, कोई बैठा रंग ला, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक चीज और है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका भी हुजूम उतना ही उमड़ा है जितना कि पुरुषों का उमड़ा हुआ है, और उससे अधिक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल बेफिक्र होकर, और अक्सर देखा जाता है महिलाएं बच्चों को पकड़ी जाती हैं, कुछ पकड़ी जाती हैं, यहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर बस राम भक्ति में लीन है। बच्चे कहे कि जाओ हमेशा जाओ, हम लोग रह लेंगे कैसे भी रह लेंगे, लेकिन आप जाइए जाइए, हम लोग 14 तारीख से यहाँ पर आए हुए हैं, 3 दिन से व्रत चल रहा है हम लोगों का, चारों बहनों का, कल जब रामलला जाएंगे अपने मंदिर में तब हम लोग का उपवास टूटेगा, नहीं तो पानी नारियल पानी बस यही पी के रह रहे हैं हम लोग। हाँ। और प्रधानमंत्री जी भी 11 दिनों के उपवास पर हैं, लगातार देश भर के जो प्रमुख राम मंदिर हैं वहाँ जा रहे हैं, हम लोग के पूरे महान है तो 11 दिन का रह रहे हैं, तो इसीलिए हम तो 11 दिन का नहीं रह पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि उस पर क्या प्रतिक्रिया है कि देश का प्रधानमंत्री 11 दिन का व्रत पे है? ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जानते हैं धर्म ग्रंथों में मोदी और योगी का नाम लिखा जाएगा, ये जान लीजिए। हम लोगों के जो मतलब आएंगे लोग, जो हम लोगों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, वो लोग याद करेंगे, सोचेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी माँ के हमारे मतलब समय में योगी और मोदी रहे, इसलिए बच्चे भी कहें हर जगह का फोटो और हर जगह है आप लोग आइए ताकि यादगार बना रहे हम लोग देखें। जी और यादगार बना रहे देखें, अभी हम जैसे हमने पढ़ा शास्त्रों में पुराणों में पढ़ा त्रेता युग में क्या माहौल हुआ करता था, आने वाली पीढ़ी जब आज के दिन के बारे में पढ़ेगी देखेगी, आपने जैसे कहा कि बच्चे जाने देखें, अब आपको देखेगी ये चारों बहनें यहाँ पर मौजूद थी उस उत्सव में, तब आपके अंदर आपके परिवार के अंदर क्या अनुभूति होगी? वो लोग बहुत खुश हैं। और एक बात और आपको हम बता दें, मतलब हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए नहीं समझता, मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि संस्कृत पढ़ाना है और संस्कृत पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे, सबसे कह रहे हैं संस्कृत पढ़ाइए तभी वो मानव सही बनेंगे, इंग्लिश से नहीं संस्कृत से, ये जान। और ये हमको बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चे संस्कृत नहीं जानते हैं, ये संस्कृत जो पढ़ता है बच्चा वही विद्वान और असली मानव कहलाता है, आज जो रामचरितमानस और भागवत पढ़ेगा वही असली में मानव बनेगा, ये जान लीजिए। हम लोग तो मान लीजिए त्रुटि हो गई कि बच्चे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारे बच्चे अभी भी राम कथा जहाँ भी होता है सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं। आपने रामचरितमानस की बात करी, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने रामचरितमानस का अपमान किया, और आज स्थिति ये है कि गीता प्रेस कह रही है कि रामचरितमानस हमारे पास इतनी है ही नहीं, हम कहाँ से दे पाएं, वो 1 लाख प्रकाशित कर रहे हैं महीने में, वो भी पूरी नहीं पड़ रही है। ऐसा है ना, मानहानि का पूरे दुनिया को मिल के सारे सनातन को उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए, कैसे कह सकते हैं, जो पहला ग्रंथ है उसके बाद है सारा पुस्तक आया, रामचरितमानस और भागवत गीता पहला ग्रंथ हमारा है, सनातन धर्म उसको पहले जाना, बाद में तो ये बीच में लोग आ गए, मान लीजिए जो भी राक्षस हैं रावण हैं, तो बाद में दूसरा प्रचलन चल गया, लेकिन आज देखें दुकानें खाली हो गई हैं, ये जान लीजिए हमारा मतलब गीता प्रेस और जितना मार्केट है खाली पड़ गया है पुस्तक के लिए, मंगा रहे हैं लोग, खरीदने वालों की भीड़ लग गई है, तो इसलिए मान लीजिए आज तो लोग जल रहे हैं, मल रहे हैं, भून रहे हैं, लेकिन आज हम आनंद मना रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।